सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ की गई मारपीट के मामले में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बांगरमऊ तहसील के अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त कर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। वकीलों ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने दौड़कर अधिवक्ताओं से पुतला छीना और पानी डालकर बुझाया। पुतला फूंकने के दौरान अधिवक्ताओं और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। अधिवक्ताओं ने तीसरे दिन भी उप निबंधक कार्यालय बंद कराया। बाद में वकीलों ने तहसील परिसर में धरना भी दिया। सीओ विजय आनंद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। धरना और प्रदर्शन में अध्यक्ष राम भरोसे वर्मा, सत्यपाल वर्मा, सत्यनारायण कन्नौजिया, अनिल वर्मा, सुभाष चंद्र शुक्ला, श्रीकांत द्विवेदी, छोटेलाल, मनोज गौतम, मुजम्मिल अहमद, प्रतीक कटियार, ललित वाजपेयी, मनोज सेंगर, परवेज आलम, विनोद यादव, योगेश लोधी, महमूद आलम, सुरभ श्रीवास्तव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाददाता जमीर खान की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।